हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रट्टू तोता। ये है आपका मॉड्यूल 2 का क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू मीन बाय कंस्ट्रक्टर, एक्सप्लेन इट्स फीचर। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। हमेशा इस पर क्वेश्चन अल्टरनेटिवली पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। यदि इस बार कंस्ट्रक्टर पूछ लेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो आपसे डिस्ट्रक्टर पूछेंगे, अगर डिस्ट्रक्टर पूछ लिया तो कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर में से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में हमेशा आता है। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है तो समझते हैं इसको, नाम से ही पता लग रहा है। कंस्ट्रक्टर मीन्स कंस्ट्रक्ट, मीन्स टू कंस्ट्रक्ट और टू इनिशियलाइज समथिंग। ओके, सपोज कीजिए आपने एक क्लास बनाई, क्लास ए, जिसके अंदर तीन मेंबर फंक्शन है, मेंबर है ए बी सी। ओके फाइन, तीन मेंबर हैं ए बी सी। अब ये जो तीन मेंबर हैं, इसके बाद मैंने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, वॉइड मेन के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया ए का जेड। ओके, अब ये जो जेड ऑब्जेक्ट है इसको मेमोरी देनी पड़ेगी। वो डिपेंड किस पे करेगा कि आपकी क्लास के अंदर कितने डेटा मेंबर है। ओके, आपकी क्लास के अंदर कितने डेटा मेंबर है, तीन, ए बी सी। तीनों ही किस टाइप के, इंटीजर, यानी टू बाइट इसके लिए, टू बाइट इसके लिए, टू बाइट इसके लिए, यानी कि टोटल जो आपको देना है वो देना है आपको 6 बाइट। ओके, तो 6 बाइट आपको मेमोरी देनी है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको जो 6 बाइट मेमोरी देनी है वो काम कौन करता है, वो काम करता है आपका कंस्ट्रक्टर। तो जो जो जेड है आपका, ये सपोज एक जेड एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर तीन है ए बी सी, कंटिन्यूस रहेगा, यानी कि ये पहला मेंबर है, ये दूसरा मेंबर है, ये तीसरा मेंबर है। ये जो जेड है इसको मेमोरी देने का काम कौन करता है, कंस्ट्रक्टर। इनडायरेक्टली अगर हम बात करें, इसका मतलब ये है कि आप जब भी कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे क्लास का, तो यानी कि उसके अंदर कंस्ट्रक्टर का होना मस्ट है। ये एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका कि किसी भी क्लास के अंदर आपके कंस्ट्रक्टर का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक आप ऑब्जेक्ट को मेमोरी अलोकेट नहीं करेंगे उसमें वेरिएबल्स की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। तो पहली प्रॉपर्टी, पहली चीज हो गई कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द मेंबर। ओके, ये हो गए कंस्ट्रक्टर होता क्या है, व्हाट डू यू नो कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर काम क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उसको मेमोरी देना। सेकंड, एवरी क्लास मस्ट हैव कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। अभी हम आगे वीडियोस में डिस्ट्रक्टर भी पढ़ेंगे। अभी आप ये देखिए कि यानी कि ऑब्जेक्ट को मेमोरी देना है, यानी कि क्लास बनाओगे तो, क्लास बनाओगे तो आपको ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट को सबसे पहले जब तक आप मेमोरी नहीं दोगे तब तक आप उसे कॉल नहीं कर सकते। तो यानी कि हर क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर का होना जरूरी है। दूसरी चीज, अभी तक आपने जितने भी प्रोग्राम बनाए वहां पर मैंने कंस्ट्रक्टर का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया है। इसका मतलब कंपाइलर प्रोवाइड्स इट्स ओन 0 आर्ग्यूमेंट 0 बॉडी कंस्ट्रक्टर। ओके, यानी कि अगर आपने अब तक जितनी भी क्लास बनाई है उसके अंदर कंस्ट्रक्टर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है, तो यानी कि आपको कंपाइलर खुद का एक बाय डिफॉल्ट एक 0 आर्ग्यूमेंट 0 बॉडी कंस्ट्रक्टर बनाता है। यानी कि हम इसी क्लास की बात करें, सपोज कीजिए ए क्लास इंट ए बी सी, ये मेरी क्लास बंद हो गई। जब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा तो जो इसका क्लास कोड बनेगा, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर कंस्ट्रक्टर का कोड इंसर्ट हो जाएगा। आपको उस कोड को इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। किस केस में, जब तक कि आपने खुद का कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, समझ गए, यानी कि कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर कैसे यूज करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, वो जरा देखते हैं। इसी के साथ साथ हम आगे इसकी प्रॉपर्टी, जो फीचर्स है वो भी हम यहां पर लिखते चलेंगे। पहला, जब भी आप कोई कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक फंक्शन होता है, सिंपल मेंबर फंक्शन।
अब मेंबर फंक्शन होता है, मेंबर फंक्शन होता है तो इसका मतलब यह है सिंपल कॉल करेंगे। तो सिंपल मेंबर फंक्शन को आप कैसे कॉल करते हैं, वॉइड मेंबर फंक्शन का नाम और ये इस तरह से कॉल करते हैं, ओके। लेकिन जब हम कंस्ट्रक्टर की हम बात करें, ये एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जिसके अंदर रिटर्न टाइप नहीं होता, यानी कि फोर्थ फीचर हो गया नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड, ये इसका फोर्थ फीचर हो गया। यानी कि हमेशा कंस्ट्रक्टर में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा, ना वॉइड होगा, ना इंट होगा, ना फ्लोट होगा, कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं होता। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर काम होता है सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स को या ऑब्जेक्ट को मेमोरी इनिशियलाइज करना। सेकंड, जो कंस्ट्रक्टर का नाम होगा वही होगा जो क्लास का नाम है। अगर मैंने क्लास का नाम लिख दिया ए, ये है आपके पास तीन मेंबर, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी ये ही होगा ए, ओके। कंस्ट्रक्टर का नाम भी वही होगा जो क्लास का नाम है। अभी देखिए यहां पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, ना वर्ड लिखा है, ना इंट लिखा है, तो लिखिए सेम नेम एज क्लास नेम, ये हो गए इसके पांच फीचर्स, और पढ़ते हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट नेक्स्ट मैंने बोला कि कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, वही पहली प्रॉपर्टी पर आ जाइए। कंस्ट्रक्टर का काम है मेमोरी रिलेशनलाइज करना, किसको, ऑब्जेक्ट को। तो यानी कि मस्ट बी डिफाइंड इन पब्लिक सेक्शन, क्यों, ऑब्जेक्ट आपके कहां बनते हैं, क्लास के बाहर। यानी कि उस ऑब्जेक्ट को अगर आपको मेमोरी एक्सेस करना है, मेमोरी देना है, तो डेफिनेटली इसको पब्लिक सेक्शन में होना पड़ेगा। आप हमेशा ये एक थंब रूल है ये याद रखिएगा, जब भी जहां ऑब्जेक्ट की बात आ जाती है, जब भी हम ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं या ऑब्जेक्ट के किसी पर्टिकुलर डेटा मेंबर के थ्रू एक्सेस करते हैं, तो उसका पब्लिक में होना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपके बनते हैं क्लास के बाहर, और क्लास के बाहर को अगर आपको किसी को एक्सेस करना है तो पब्लिक में होना जरूरी है। इसलिए यह पब्लिक सेक्शन में होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर काम होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, ऑब्जेक्ट को मेमोरी देना। तो ऑब्जेक्ट जहां आ गया तो इसका मतलब यह है कि वो पब्लिक में होगा, मस्ट है। नेक्स्ट, तो यानी कि यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, पब्लिक, ओके। नेक्स्ट, नॉट इनहेरिटेड, इनहेरिटेंस हम पढ़ेंगे, अभी हम बता देते हैं इनहेरिटेंस में क्या होता है। सपोज कीजिए आपके पास ए क्लास है, उसको इनहेरिट कर रहा है बी क्लास, तो बी क्लास के अंदर ए क्लास के भी फंक्शंस होंगे। अब देखिएगा, ए क्लास जो है आपकी, ए क्लास है आपका जिसके अंदर है मेंबर कंस्ट्रक्टर ए नाम से, ओके। बी क्लास होगी, बी क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर होगा वो किस नाम का होगा, ऑब्वियस है, बी क्लास से। अगर मान लो बी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर इनहेरिट हो जाता, तो बी क्लास के अंदर कितने कंस्ट्रक्टर बन जाते, दो, एक तो बी और एक ए, जो इस रूल को वायलेट करता है, इस वाले को, सेम नेम है इस क्लास नेम, इसलिए वो इनहेरिट नहीं होते, ओके। नेक्स्ट, कैन बी ओवरलोडेड, इसका मतलब यह है कि एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। ओवरलोडिंग होती है मल्टीपल सेम फंक्शन नेम विद मल्टीपल आर्ग्यूमेंट, यानी कि एक क्लास के अंदर आपके एक कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, जीरो कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, वन कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, टू कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, तो कितने भी कंस्ट्रक्टर आप एक क्लास के अंदर बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यूजेज न्यू कीवर्ड टू एलोकेट मेमोरी, ओके। तो ये जो है कीवर्ड, ये जो है जो मेमोरी एलोकेट करता है वो न्यू कीवर्ड, जो आपका न्यू और डिलीट होता है, डिलीट होता है डिस्ट्रॉय करने के लिए, और न्यू जो होता है आपका मेमोरी को एलोकेट करने के, तो न्यू कीवर्ड को यूज करता है मेमोरी को एलोकेट करने के लिए। नेक्स्ट,
ये बहुत बढ़िया डिफरेंस है बिटवीन अ मेंबर फंक्शन एंड आपके कंस्ट्रक्टर। आप किसी भी मेंबर फंक्शन को जब आप कॉल करते हैं, सपोज कीजिए मेरे पास एक मेंबर फंक्शन होता void get, ओके ये मेरी क्लास खत्म हो गई। अब मुझे अगर इसको कॉल करना है और सपोज कीजिए ए क्लास का ऑब्जेक्ट है q, ओके ए क्लास का ऑब्जेक्ट है q, अगर मुझे इस get को कॉल करना है तो किस तरह से कॉल करूंगा, q डॉट गेट, फाइन। लेकिन मुझे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो उसके लिए कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ओके सब। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, सपोज कीजिए अगर एक क्लास के अंदर 5 मेंबर फंक्शन है जो सिर्फ वैल्यूज को इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो उन 5 मेंबर फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा, यानी कि आपको 5 लाइन की कोडिंग एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने कंस्ट्रक्टर लिख दिया, सपोज कीजिए मैंने लिखा यहां पर ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20 एंड सी इक्वल टू 30, यहां पर भी मैंने ये लिखा ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20 एंड सी इक्वल टू 30, ओके। अब सपोज कीजिए मैंने 5 ऑब्जेक्ट बनाए, Q1, Q2, Q3, 3 ही बनाए, ओके तो मुझे अब अगर मैंने ये यूज नहीं किया है, कंस्ट्रक्टर यूज नहीं किया है, तो क्या होगा, Q1.get लिखना पड़ेगा। Q1.get लिखते ही Q1 के जितने भी ABC उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, 20, 30। Q2.get लिखना पड़ेगा फिर 10, 20, 30। Q3.get लिखना पड़ेगा 10, 20, 30। लेकिन अगर मैंने ये लिख दिया, इसको अब मैं नहीं लिखता हूं, तो मुझे ये 3 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा लिखना है। इतना सा लिखते ही ऑटोमेटिकली Q1, Q2, Q3 जो 3 ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो ABC है ऑटोमेटिकली जो वैल्यूज है वो आपकी 10, 20, 30 हो जाएगी। ये बहुत ही मेजर है कि आपकी, इससे आपकी लाइन ऑफ कोड भी कम हो जाते हैं, आपको कम लिखना पड़ता है, और इससे कम लिखना पड़ेगा, जब आपकी लाइन ऑफ कोड कम होगी तो कंपाइलिंग टाइम भी आपका कम लगेगा, ओके ये हो गया। नेक्स्ट है आपके पास जो ये नेक्स्ट है, ये बोल रहा है, लिख देता हूं, इफ ये बोल रहा है कि सपोज कीजिए आपके पास एक क्लास है इस जिसके अंदर एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, अगर आपने एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं दिया देन इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपाइलर कि वो आपको 0 आर्गुमेंट 0 बॉडी कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करेगा, ओके। अब दूसरा केस ये है जो कि 11 नंबर पॉइंट है, वो ये बोल रहा है मान लीजिए कि आपकी क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, किस नाम से, ए नाम से, तो उस केस में आपको 0 बॉडी जो 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो आपका कॉल नहीं होगा, कंपाइलर जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है उस केस में आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यानी कि अगर आपने सिंगल एक कंस्ट्रक्टर भी बना दिया तो उस केस में जो कंपाइलर द्वारा जो कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया जाता है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो बेसिक ये फीचर्स हैं आपके कंस्ट्रक्टर के जो कि आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज होते हैं। अब आगे देखेंगे आगे वाले वीडियोज में कि किस तरह से हम कंस्ट्रक्टर के टाइप्स होते हैं, किस तरह से डिस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, और फ्रेंड फंक्शन क्या होता है वो भी हम देखेंगे। थैंक यू।